हेलो दोस्तों, संविदा खातून ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग ठीक हैं? हम लोग ठीक हैं, आप लोग भी ठीक रहे दोस्तों, और आप लोग का परिवार भी ठीक रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को देख करके थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं खाना उना बनाई हूँ और कपड़े उपड़े सफाई किया हूँ, लेकिन अभी घर सफाई नहीं किया हूँ, तो घर में भी सफाई करना बाकी है, तो मैं कर लेती हूँ। और हमारा तो अभी देखिए कि मशीन उसीन तो लगा हुआ है नहीं, अभी नहीं सेटिंग करवाई हूँ, ऐसे ही रखा हुआ है पटरा उटरा, और जही तरह का वही तरह सब फैला हुआ है, फेंकाना हुआ है, अभी नहीं लगवाई हूँ। और बच्चे लोग का कपड़ा भी सिलाई करना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं एक पहले किचन मिट्टी का किचन टट्टी का किचन एक बनवा लूँगी, उसके बाद मैं लगवाऊंगी मशीन वो सारे पे लगवाऊंगी। देखो अभी घर में पूरा सामान हमारा ऐसे ही फैला हुआ है, पूरा ऐसे ही फैला हुआ है, कपड़ा उपड़ा सभी ऐसे ही फैला हुआ है। अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ और रखने वाला सही से अभी है नहीं, जैसे वैसे ही पहले जैसे उधर में प्लास्टिक तान करके और सोते थे और रहता था फैला हुआ, वैसे ही अभी भी फैला हुआ है, अभी नहीं सही किया हूँ। और ये सब बना है तो इस सबको ऐसे ही अभी और इसको सफाई कर देती हूँ। बच्चे लोग से आते जाते रहते हैं तो पूरे में कचरे लगाते रहते हैं, और इसमें तो दोस्तों घर भी सफाई करना है। और दोस्तों ये हम तो लोहा का गेट लगवा लिए हैं, मगर ऐसे ही पड़ा हुआ, इसमें अभी पेंटिंग भी इसमें नहीं करवाई हूँ, ऐसे ही है, इसको पेंटिंग करा लूँगी ना, तो ये लोहा है तो ये ख़राब जल्दी नहीं होगा, तो इसलिए अभी इसको पेंटिंग भी नहीं कराए हैं। इब्राहिम उतर जा, गिरेगा। चलिए दोस्तों, मैं इसको सफाई कर लेती हूँ थोड़ा। और ये मुर्गी उर्गी है ना, सब ये गोड़ देती रहती है आकर के, तो मिट्टी मिट्टी और हो जाता रहता है, और मिट्टी मिट्टी हो जाता रहता है। और इधर मैं सीढ़ी बनवाई हूँ, इसको बच्चे लोग बैठ करके और पूरी दिन खेलता रहता है। अभी मेन रोड है, देखिए अब सभी अब पूरी दिन आते जाते रहता है। और एक पछिया चल रहा है दोस्तों, तो पूरा कचरा है फूरुक के भाग रहा है, पूरी बोरी रोड पर भाग रहा है। और ये बड़घरा हो गया हमारा इधर में, और ये पूरा किचन बना लूँगी थोड़ा सा मिट्टी टट्टी वाला, वो उधर में किचन बना लूँगी उधर में, तो ये पूरा को काटा उटा है, और इसमें खिड़की लगा दूँगी तो ये पूरे को सफाई कर दूँगी और सभी बेहतरीन हो जाएगा। और जब तक के उधर में थोड़ा बालू है, तो बालू अभी कल पे ढलाई करना है, तो बालू को ला करके जब तक के यहाँ पे डाल दूँगी, इसलिए अभी पैसा भी कम है, तो वहाँ पे वो पूरा बेकार होगा, मिट्टी में रखा हुआ है रोड पे, तो वहाँ से ला करके और यहाँ डाल लूँगी, और उसके बाद फिर कोई काम करूँगी। और खिड़की भी लगाना बाकी है, और अभी मैं उसमें कपड़े उपड़े लगा दिया हूँ, तो खिड़की उड़की लगाना है, तो इसीलिए मैं बालू अभी रखे हुए हैं। और इब्राहिम का देखिए, इब्राहिम ये गाड़ी पे पूरी दिन गाड़ी पे बैठ करके सोया रहता है, और बोलती हूँ कि पुराना गाड़ी है, अगर गिर जाओगे तो ये उतरता भी नहीं है। ट्रेन पे गाड़ी लगा हुआ है तो उस पर हिलता रहता है, ये हिलता रहता है,
और ये पूरी दिन आ करके इसी पे बैठता रहता है, गारे खुल ले कर दे बाय। हाँ आंटी अंकल बाय कर, आप ही बाय। हाँ और अभी ये सही नहीं है, अभी ये सर्दी सर्दी हो गया हुआ है, बारिश में बनाई हूँ तो बारिश की वजह से ये पूरा सर्दी सर्दी हो गया हुआ है। अभी ये सूखेगा, हवा लगेगा और इस पर पोताई कर दूंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। उधर में भैंसे वैसी जा रहा है, सभी मवेशी उधर में जाता रहता है, आता रहता है, रास्ता है। और इधर में तालाब पड़ता रहता है तो उधर ही सब ले जाते रहते हैं धुलाने के लिए और पानी भी पिलाने के लिए। और इधर में मेन रोड पड़ता रहता है। तो दोस्तों इधर में अभी तो घर तो नहीं था हमारे पास, तो एक ही घर बनाई हूँ, तो इधर में जलावन वलावन भी रखती हूँ। अभी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो चूल्हा भी नहीं बनाई हूँ, ऐसे ही हमारा चूल्हा। और इधर में एक छोटा सा बना लूँगी मिट्टी का चूल्हा। और यहाँ मैंने एक मिट्टी का चूल्हा बना रही हूँ, इधर मैं एक चूल्ही बना रही हूँ मिट्टी का, तो उसको हटा दूँगी, उधर का वो हटा दूँगी और इसी में मैं खाना उना बनाऊँगी, खाने उने इसी में बनाऊँगी। और इधर से एक थोड़ा सा छोटा सा टट्टी लगा दूँगी और इधर से तो हमको खाना उना बनाने का, और ऊपर से थैली डाल दूँगी तो बाद में एल्बेस्टर डालूँगी, अभी फ़िलहाल मैं इस पर थैली डाल दूँगी तो हमको खाना उना बनाने के लिए बहुत बेहतरीन जगह हो जाएगा इस जगह को। तो वहाँ से मैं चूल्हे मिट्टी के चूल्हे उठा करके और फेंक दूँगी, ये फूट गया हुआ है लेकिन बहुत दिक्कत से इसमें खाना बना रही हूँ, इसमें बहुत दिक्कत से खाना बना रही हूँ, ये फूट गया हुआ है, जब भी इसमें बना रही हूँ कम चलाव के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो हमारा अभी यहीं तक के है, फिर दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे।